नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल नंदी महाराज का मंत्र देने जा रहा हूं। दोस्तों नंदी जो है महादेव के सबसे परम भक्त है। अब यदि नंदी की उत्पत्ति और उनकी कहानी अगर मैं बताऊंगा आपको वीडियो में तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन महादेव जो है आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड जो है पूरा ब्रह्मांड महादेव जी में समाया हुआ है, और महादेव जो है हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। क्योंकि हमारी सिर्फ पृथ्वी नहीं, अगर ब्रह्मांड में देखें तो हमारे जितने प्लैनेट हैं, प्लैनेट के ऊपर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के ऊपर जाते हैं यूनिवर्स है, और यूनिवर्स के ऊपर जाते हैं तो मल्टीवर्स है। तो सिर्फ पृथ्वी की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की, पूरी यूनिवर्स की, मल्टीवर्स की जिम्मेदारी जो है महादेव के ऊपर है। छोटी छोटी सी चीजें दोस्तों महादेव को देखनी पड़ती हैं। तो हमारी जो मनोकामनाएं हैं, यदि हमारी कोई कामना है, परेशानी है, तो महादेव तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले उनके गणों की पूजा करें। दोस्तों आप लोगों यदि चाहते हैं, मैं खास बात आपको जानकारी दे दूं कि जो लोग चाहते हैं, जो किराए से घर में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो उनके लिए मैं विशेष प्रयोग बता रहा हूं, जो खुद का घर चाहते हैं कि उनके खुद के घर के योग बने, तो इसकी एक जानकारी मैं आपको देता हूं। कभी भी यदि आप लोग जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले उनके गणों की पूजा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके खुद के घर के योग बने, गणेश जी के मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले उनके मूसक की पूजा करें, माता दुर्गा आदि शक्ति की पूजा करते हैं तो सबसे पहले सिंहराज की पूजा करें, भैरवनाथ के पास में जाते हैं तो उनके सबसे पहले उनके कुत्ते की पूजा करें, किसी भी देवी देवता के पास में जाते हैं वैसे ही अगर आप भगवान शिव के पास में जाते हैं तो सबसे पहले आपको नंदी महाराज की पूजा करनी है। आपने देखा होगा कभी भी किसी भी बड़े अधिकारी से यदि आप अपना कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले उनके जो कर्मचारी होते हैं पहले उनसे आपको कांटेक्ट करना होता है। जब वो आपसे वो आपको देंगे कि चलो ठीक है अनुमति दे रहे हैं, तब आप उनके अधिकारियों से मिलेंगे। तो डायरेक्ट आप लोग जाते हैं, सीधे भगवान की पूजा करते हैं, महादेव की, उनके गण उनके बैठे हुए हैं, भगवान ध्यान में है, तो सबसे पहले आपको उनके गणों की पूजा करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खुद का घर का योग बने तो कभी भी घर में पूजा कर रहे हैं, नित्य पूजा जो करते हैं घर में, जिसकी भी फोटो आपने लगाई हुई है, माता रानी की लगाई हुई है, गणेश भगवान की लगाई हुई है, या विष्णु भगवान की लगाई हुई है, विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उससे पहले गरुड़ की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो उससे पहले उल्लू की पूजा करें। तो ऐसे ही दोस्तों एक मैं प्रयोग और बता रहा हूं कि आप क्या करें कि शंकर भगवान जो होते हैं, शंकर भगवान की जब भी पूजा करने जाते हैं तो पहले नंदी महाराज को, आपको उनका जो सीधा वाला कान जो होता है, सॉरी दोस्तों सीधा कान जो होता है उसमें आपको क्या करना है, हाथ रख देना है, ठीक है, और उल्टा कान जो होता है, उल्टे कान में आपको क्या करना है, आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपको वहां पर बोल देनी है नंदी महाराज के कान में, ठीक है। ये हो गया आपका कोई भी मनोकामना पूर्ति का, कि आपको आज कोई ऐसी मनोकामना है, कोई विशेष पर्टिकुलर कोई आपकी विश है, तो इसके लिए आप इस प्रयोग को सोमवार से हर सोमवार को कर सकते हैं, या जब भी आप जाते हैं पूजा पाठ करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं, तो सबसे पहले नंदी महाराज के उल्टे कान में हाथ रख दें, उनको बंद कर दें, और सीधे कान में उनके अपनी मनोकामना बोल दें। तो इससे जो ये होता है कि जो भी आपकी मनोकामना है डायरेक्ट महादेव तक पहुंच जाती है। और आज मैं आपको एक नंदी महाराज का एक विशेष मंत्र देने वाला हूं। इसे आपको यदि आपने सिर्फ 108 दिन आपको करना है इस मंत्र को, तुलसी की माला से अगर आपने 108 दिन कंटिन्यूस मंत्र को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर लिया, दोस्तों 100% आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना वो पूरी होगी, साथ में आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी जिंदगी भर नहीं आएगी, महादेव और नंदी महाराज पूरे परिवार की आपकी जिंदगी भर रक्षा करेंगे। कोई भी ऐसा एक्सटेंडेड केस है, कोर्ट कचहरी का केस है, या शत्रु से परेशान है, बीमारी से परेशान है, पैसों से परेशान है, कोई भी बच्चे आपके ऐसे हैं पढ़ लिख नहीं रहे, सक्सेस नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, जिंदगी में चाहते हैं ग्रोथ मिले, तो बस आपको दोस्तों कंटिन्यू आपको 108 दिन ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का, नंदी महाराज का, जो आपने जाप कर लिया, तो दोस्तों महादेव की कृपा जिंदगी भर आपके ऊपर बनी रहेगी, कोई परेशानी जिंदगी में आएगी ही नहीं कभी।
तो मंत्र दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। दोस्तों ये मंत्र जो है गायत्री मंत्र है, नंदी महाराज का गायत्री मंत्र है, तो आप उसको तुलसी माला से ही जाप करना है। मंत्र दोस्तों मैं स्क्रीन में भी बता दे रहा हूं, बोल के भी बता दे रहा हूं। ओम तत् पुरुषाय विद्महे चक्र तुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। इस मंत्र को आपको बस ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उगने से पहले तुलसी की माला से आपको सिर्फ सफेद स्वच्छ वस्त्र पहन लें, सफेद आसन बिछा लें, दीपक जला लें, धूपबत्ती कर लें और 108 दिन 108 बार तुलसी की माला से बस इस मंत्र का कंटिन्यू जाप कर लें। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, अगर काफी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि कर्ज की समस्या है, पैसों की समस्या है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या व्यवसाय नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं चल रही है, काफी लोग कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, घर में ग्रह कलेश से बीमारी है, एक कोई कराते हैं दूसरी जगह लग जाती है, एक परेशानी खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, तो ये मंत्र दोस्तों सिर्फ 108 दिन आपकी पूरी जिंदगी पूरी लाइफ बदल देगा। 108 दिन दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर कोई परेशानी बड़ी है, कुछ पाना चाहते हैं जिंदगी में, तो कुछ खोना भी पड़ेगा, कुछ बलिदान कुछ त्याग करना पड़ेगा। सुबह में जल्दी उठिए ब्रह्म मुहूर्त में और तुलसी की माला से बस एक बार संकल्प कर लीजिए कि मुझे 108 दिन इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करना है, फिर देखिए जिंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं आपके। महादेव का मंत्र है, महादेव के नंदी का मंत्र है, नंदी तक अगर कोई बात पहुंच गई दोस्तों तो वो महादेव तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी चुटकियों में सॉल्व होगी, चुटकियों में सॉल्व होना छोड़िए दोस्तों, जिंदगी में परेशानी आएगी ही नहीं। इतना पावरफुल मंत्र आज मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही गुप्त और बहुत ही प्राचीन मंत्र है, महादेव का गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र को साइंस ही मानता है कि इसमें एक वाइब्रेशन होती है जो बहुत ही पावरफुल अपनी जिंदगी में कुछ भी आ रही है परेशानी तो उसको दूर करती है, नेगेटिविटी को दूर करने की ताकत रखती है गायत्री मंत्र। इसमें एक बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी निकलती है। करके देखिए दोस्तों, पूरी श्रद्धा से विश्वास से एक बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए 108 दिन तुलसी की माला से ब्रह्म मुहूर्त में, जिंदगी में कोई परेशानी कभी नहीं आएगी आपको। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।